हरे कृष्णा। लोगों से भगवान के विषय में चर्चा कीजिए तो अधिकांश यही कहते हैं कि हाँ, हम भी भगवान को मानते हैं। किंतु यदि उनसे पूछें कि भगवान को मानने का क्या अर्थ होता है, तो वे कुछ भी बोलकर अपने उस वाक्य को, अपने कथन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि पूछें कि सरकार को मानने का क्या अर्थ है, तो सहज उत्तर होगा कि सरकार के संविधान को मानना, उसके नियमों तथा व्यवस्था के अनुसार कार्य करना। वह हम ये सब कार्य तभी कर पाएंगे जब हम सरकार को तथा उसके नियम को जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए सरकार को केवल मानना पर्याप्त नहीं, सरकार को जानना अधिक आवश्यक है। ठीक ऐसे ही भगवान को मानना पर्याप्त नहीं, हमें भगवान को जानना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तथा मेरे कर्म अलौकिक है। हे अर्जुन, जो उन्हें तत्व से जान जाता है, वो इस शरीर को त्यागने पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अपितु वह मेरे धाम को वापस लौट आता है। जैसे कि जब तक हम किसी व्यक्ति की महानता, उसके गुणों आदि को पूरी तरह से नहीं जानते, तब तक हमारा मानना अधूरा माना जाएगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह देश के प्रधानमंत्री को मानता है, किंतु यदि वह प्रधानमंत्री के गुणों, उसकी सत्ता, उसके अधिकारों, उसकी शक्ति, उसके कर्तव्य आदि को नहीं जानता, तो उसका प्रधानमंत्री को मानना खोखला रह जाता है। और ये मनुष्य जीवन भगवान को मानने से अधिक भगवान को जानने के लिए मिला हुआ है। और भगवान को जानने का अर्थ है कि पहले हम स्वयं को जानें, भगवान को जानें और भगवान के साथ अपने संबंध को जानें तथा उस संबंध पर आधारित अपने कार्यों को जानें। तब हम कह सकते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, और उसके बाद ही हम सही रूप से भगवान को मान भी पाएंगे। लेकिन जब उन्हीं लोगों से कहा जाता है कि भगवान को जानने का कुछ प्रयास तो कीजिए, कुछ कोशिश तो करिए, तो वे कहते हैं कि अरे, भगवान तो बहुत महान है, वे स्वयं अपनी महानता नहीं जान सकते, तो फिर हम क्या जानेंगे, इसलिए हम कोई प्रयास ही नहीं करते इस ओर। कुछ सीमा तक ये सही है कि भगवान की महानता असीमित है, क्षण प्रतिक्षण उसमें वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। और हम जीवात्मा एक मटकी के समान हैं, तो भगवान यानी परमात्मा एक सागर के समान है, तो भला गागर में सागर कैसे समा सकता है। किंतु यदि भगवान किसी जीव पर प्रसन्न होकर चाहें कि अमुक जीव मुझे पूरी तरह जान जाए, तो क्या यह संभव नहीं है? यदि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर उनके भगवान होने का लाभ ही क्या? यदि भगवान को तत्व से जानना संभव नहीं होता, तो गीता में भगवान यह नहीं कहते कि जो उन्हें तत्व से जान जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं? और हम भगवान को जान पाएं, इसकी व्यवस्था भगवान ने पहले ही कर रखी है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैल दिया वेद पुराण। अर्थात माया से मुग्ध, माया से बद्ध जीव स्वयं कृष्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जीव स्वयं नहीं समझ सकता कि भगवान कौन है। इसके लिए उसके ऊपर कृपा करते हुए भगवान ने वेदों एवं पुराणों की रचना की है। अतः हमें समझना चाहिए कि भगवान उस बहरूपिये के समान नहीं है जो उसके रूप को देखकर भ्रमित हुए लोगों पर हंसता है, नहीं, अपितु भगवान उस स्नेहिल पिता के समान है जो चाहते हैं कि उसकी संतान उसको जाने, उसे अच्छी तरह समझ जाए, जिससे वो अपनी विरासत उसे सौंप सके। किंतु अपने दैनिक जीवन में हम सब भगवान को कैसे जाने? अत्यंत ही सरल है।
मोटे तौर पर देखा जाए तो भगवान को जानने से संबंधित चार बातें हैं, उनके नाम को जानना, उनके रूप को जानना, उनके गुणों को जानना तथा उनके कार्यों को जानना। तथा भगवद गीता व श्रीमद् भागवतम व अन्य ग्रंथों में इन चारों के विषय में अनेकानेक जानकारी दी गई है, एवं उन्हीं भगवान को तत्व से जानने का आरंभ होता है उनके दिव्य नामों के जप व कीर्तन से जो कलयुग में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा नाम जप से भगवान के रूप, उनके गुण और लीलाएं स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं, और फिर न केवल हम भगवान को जानने लगते हैं अपितु भगवान भी हमें जानने व पहचानने लगते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।